अयोध्या जो कि सांस्कृतिक राजधानी हो गई है, अयोध्या जो कि विकसित और विकास पे लगातार आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी का आज रोड शो है और ऐसे में इकबाल अंसारी, जिनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिचय बताइए और कैसा रोड शो होने की यहाँ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, बहुत से यात्री आए हुए हैं और बहुत ही पार्टी के जो है पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता भी हैं और जो लोग दिल से जो है मोदी जी को चाहते हैं वो भी सब मौजूद हैं। इस वक्त रोड शो होने जा रहा है, लोग फूल की वर्षा करने के लिए लोग मौजूद हैं, हम भी जो है आए हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो और आने वाला इलेक्शन जो है उनको उनको जो है कामयाबी जो है मिले और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आप देखिए, आपका परिचय एक ऐसा भी है कि राजमन भूमि से जुड़े हुए हैं, बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए हैं, उस लिहाज से लोग आपको देखते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तीसरी बार बने और जिस तरीके के माहौल से कहीं ना कहीं चुनाव पर प्रधानमंत्री पर वॉर किया जाता है, उन पे आरोप लगाया जाता है, उन सबका क्या कहना है? देखिए, सवाल आरोपों का, आरोप तो जो है ये इलेक्शन है, आरोप तो लोग लगाते रहते हैं। सवाल हिंदू और मुसलमानों का है, मस्जिद और मंदिर का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कोई ऐसी बात जो है नहीं है। और आजकल का दौर है, जब इलेक्शन आता है तो तरह तरह की बात पैदा होती है, उसे कोई लेना देना नहीं। मुख्य जो है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, रोड शो करने जा रहे हैं, स्वागत है। जो लोग चुनाव के समय पे सनातनी हो जाते हैं या धर्म कर्म पे लग जाते हैं, उनका क्या कहना है? और जो हमेशा से इस तरह के काम पे रहते हैं, अयोध्या उसका एक उदाहरण है। देखिए, राजनीति के दौर में ये अयोध्या की धरती है, अयोध्या की धरती में जो भी आवे उसके अंदर मानवता होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमानों का जो है भाईचारा होनी चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब होना चाहिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, सबके लिए रोजगार है। क्या अपील करेंगे? अभी तो कई चरण बाकी है, आपके अपील का भी बड़ा महत्व है। देखिए, अपील तो हम करते ही रहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि नेता अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, हिंदू मुसलमान की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा होना चाहिए, वोट लोग जो उसी को कर करें जिसके अंदर भाईचारा हो। और आप इस माहौल को लेके कुछ गुनगुना दीजिए। देखिए, माहौल तो अच्छा है ही है, माहौल तो ये अयोध्या, अयोध्या में राम राज है, अयोध्या में सारे लोग भक्त हैं, अयोध्या के अंदर गंगा जमुनी तहजीब है, जितने भी लोग आए हुए हैं सब अपने धर्म के और कर्म के पक्के हुए हैं। आज अयोध्या दिख कैसी रही है उनके लिए? अयोध्या हमेशा खूबसूरत रही है, अयोध्या आज भी खूबसूरत है। अयोध्या एक ऐसी धरती है कि ये जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है, ये हमेशा अयोध्या की खूबसूरती रही है। अयोध्या में अयोध्या ऐसी धरती है कि यहाँ लोगों के का एक सौभाग्य है, जो भी अयोध्या 5 किलोमीटर में घूमता है उसके उसके भाग्य जो है खुल जाते हैं। आज यहाँ पे किस तरह का नारे शोर, यो दोहे चौपाई किस तरह का चल रहा है या सब ज्यादा आपका? देखिए, अयोध्या में जो है इस वक्त रोड शो का माहौल है, यहाँ अयोध्या में सारे जो है खुशी की लहर है, सारे लोग जो है ये खुशियाँ मना रहे हैं, रोड शो देखने के लिए फूलों की वर्षा करने के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, धार्मिक नारा लोग लगाते रहते हैं, न जो है भगवान के नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, हम भी जो है मुसलमान है लेकिन सब धर्मों का सम्मान करते हैं। आप लगाइए नारा, आप नारा आप लगाए जो है, हम तो हर धर्मों का सम्मान करते हैं, सब। वो ऐसा कोई भजन जो आपको भी नहीं? हम भजन गाते ही नहीं है, हम लोग तो जो है नेता है, राजनीति वाले हैं बस। तो इकबाल भाई आए हैं, आप कैसे देखते हैं और अपना परिचय भी दे दीजिए। हमारा परिचय है, हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे, हम महामंत्री हैं पुरोहित बिरादरी समाज के अपने, आज 500 बिरादरी हमारे यहाँ पर इकबाल भाई सबको लेकर आए हैं और इकबाल भाई को यहाँ बुलाए हैं। इकबाल भाई को हम कहे थे, उन्होंने अपने वादा के अनुसार समय से यहाँ पहुँचा, मोदी जी के रैली में बढ़ चढ़ के अपने साथियों के साथ, अपने गनर के साथ, सबके साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जुलूस की शोभा बढ़ाने के लिए, मोदी जी का स्वागत करने के लिए, और हमेशा ये मेरे मंच पर मेरे साथ रहते हैं। हम लोग मित्र के तरीके, भाई के तरीके हैं, हमारा न्योता हकारी शादी विवाह सब में जाते हैं। तो जरा दिखाइए कैसे आप लोग मित्र रहते हैं। बच्चा बच्चा राम का, जन्म भूमि के काम का, जो नहीं हमारे राम का उन्हें हमारे काम का। देखिए, सच्चाई ये है कि अयोध्या में ये पुरोहित समाज है, हम लोग अयोध्या की धरती पे ऐसे हैं कि यहाँ का गृहस्थ, चाहे साधु संत हो चाहे गृहस्थ हो, ये हमेशा हम लोग एक हमेशा रहते हैं और रहेंगे।
मोदी जी आए हैं मंदिर बनाएंगे और वही विजय होगा। इकबाल अंसारी जिनसे बात करना और जिनका एक एक बात कहना अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो बात उन्होंने अपनी कही। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, अयोध्या। अयोध्या जो कि सांस्कृतिक राजधानी हो गई है, अयोध्या जो कि विकसित और विकास पे लगातार आगे बढ़ रही है, प्रधानमंत्री मोदी का आज रोड शो है और ऐसे में इकबाल अंसारी जिनका परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन परिचय बताइए और कैसा रोड शो होने की यहाँ तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अयोध्या धर्म की नगरी है, यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, बहुत से यात्री आए हुए हैं और बहुत ही पार्टी के जो है पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता भी हैं और जो लोग दिल से जो है मोदी जी को चाहते हैं वो भी सब मौजूद हैं। इस वक्त रोड शो होने जा रहा है, लोग फूल की वर्षा करने के लिए लोग मौजूद हैं, हम भी जो है आए हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का रोड शो हो और आने वाला इलेक्शन जो है उनको उनको जो है कामयाबी जो है मिले और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आप देखिए, आपका परिचय एक ऐसा भी है कि राजमन भूमि से जुड़े हुए, बाबरी मस्जिद से जुड़े हुए, उस लिहाज से लोग आपको देखते हैं। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तीसरी बार बने और जिस तरीके के माहौल से कहीं ना कहीं चुनाव पर प्रधानमंत्री पर वॉर किया जाता है, उन पे आरोप लगाया जाता है, उन सबका क्या कहना है? देखिए, सवाल आरोपों का, आरोप तो जो है ये इलेक्शन है, आरोप तो लोग लगाते रहते हैं। सवाल हिंदू और मुसलमानों का है, मस्जिद और मंदिर का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, कोई ऐसी बात जो है नहीं है। और आजकल का दौर है, जब इलेक्शन आता है तरह तरह की बात पैदा होती है, उसे कोई लेना देना नहीं। मुख्य जो है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, रोड शो करने जा रहे हैं, स्वागत है। जो लोग चुनाव के समय पे सनातनी हो जाते हैं या धर्म कर्म पे लग जाते हैं, उनका क्या कहना है? और जो हमेशा से इस तरह के काम पे रहते हैं, अयोध्या उसका एक उदाहरण है। देखिए, राजनीति के दौर में ये अयोध्या की धरती है, अयोध्या की धरती में जो भी आवे उसके अंदर मानवता होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमानों का जो है भाईचारा होनी चाहिए, गंगा जमुनी तहजीब होना चाहिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, सबके लिए रोजगार है। क्या अपील करेंगे? अभी तो कई चरण बाकी है, आपके अपील का भी बड़ा महत्व है। देखिए, अपील तो हम करते ही रहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि नेता अच्छा होना चाहिए, जिसके अंदर कोई फीलिंग ना हो, हिंदू मुसलमान की फीलिंग नहीं होनी चाहिए, हिंदू और मुसलमानों का भाईचारा होना चाहिए, वोट लोग जो उसी को कर करें जिसके अंदर भाईचारा हो। और आप इस माहौल को लेके कुछ गुनगुना दीजिए। देखिए, माहौल तो अच्छा है ही है, माहौल तो ये अयोध्या, अयोध्या में राम राज है, अयोध्या में सारे लोग भक्त हैं, अयोध्या के अंदर गंगा जमुनी तहजीब है, जितने भी लोग आए हुए हैं सब अपने धर्म के और कर्म के पक्के हुए हैं। आज अयोध्या दिख कैसी रही है उनके लिए? अयोध्या हमेशा खूबसूरत रही, अयोध्या आज भी खूबसूरत है। अयोध्या एक ऐसी धरती है कि ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे धर्म के सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है, ये हमेशा अयोध्या की खूबसूरती रही है। अयोध्या में अयोध्या ऐसी धरती है कि यहाँ लोगों के का एक सौभाग्य है, जो भी अयोध्या 5 किलोमीटर में घूमता है उसके उसके भाग्य जो है खुल जाते हैं। आज यहाँ पे किस तरह का नारे शोर, यो दोहे चौपाई किस तरह का चल रहा है या सब ज्यादा आपका? देखिए, अयोध्या में जो है इस वक्त रोड शो का माहौल है, यहाँ अयोध्या में सारे जो है खुशी की लहर है, सारे लोग जो है ये खुशियां मना रहे हैं, रोड शो देखने के लिए फूलों की वर्षा करने के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए, धार्मिक नारा लोग लगाते रहते हैं, न जो है भगवान के नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, हम भी जो है मुसलमान है लेकिन सब धर्मों का सम्मान करते हैं। आप लगाइए नारा, आप नारा आप लगाए जो है, हम तो हर धर्मों का सम्मान करते हैं, सब वो ऐसा कोई भजन जो आपको भी नहीं? हम भजन गाते ही नहीं है, हम लोग तो जो है नेता है, राजनीति वाले हैं। तो इकबाल भाई आए हैं, आप कैसे देखते हैं और अपना परिचय भी दे दीजिए। हमारा परिचय है, हमारा नाम ओम प्रकाश पांडे, हम महामंत्री हैं पुरोहित बिरादरी समाज के अपने, आज 500 बिरादरी हमारे यहाँ पर इकबाल भाई सबको लेकर आए हैं और इकबाल भाई को यहाँ बुलाए हैं। इकबाल भाई को हम कहे थे, उन्होंने अपने वादा के अनुसार समय से यहाँ पहुँचा, मोदी जी के रैली में बढ़ चढ़ के अपने साथियों के साथ, अपने गनर के साथ, सबके साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जुलूस की शोभा बढ़ाने के लिए, मोदी जी का स्वागत करने के लिए, और हमेशा ये मेरे मंच पर मेरे साथ रहते हैं, हम लोग मित्र के तरीके, भाई के तरीके हैं, हमारा न्योता हकारी शादी विवाह सब में जाते हैं। जरा दिखाइए कैसे आप लोग मित्र के तरह रहते हैं।
बच्चा बच्चा राम का, जन्म भूमि के काम का, जो नहीं हमारे राम का नहीं हमारे काम का। देखिए सच्चाई ये है कि अयोध्या में ये पुरोहित समाज है, हम लोग अयोध्या की धरती पे ऐसे हैं कि यहाँ का गृहस्थ चाहे साधु संत हो चाहे गृहस्थ हो, ये हमेशा हम लोग एक 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 हमेशा रहते हैं और रहेंगे। मोदी जी आए हैं मंदिर बनाएंगे, वही जय श्री राम। इकबाल अंसारी जिनसे बात करना और जिनका एक एक बात कहना अपने आप में महत्वपूर्ण है, वो बात उन्होंने अपनी कही। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट अयोध्या।